शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अबे! अबे! छोड़ दो, छोड़ दो अबे को, छोड़ दो अबे को। तूने छोड़ा मुझे अकेला? हाँ, 10 साल पहले तूने मुझे आरती से अलग कर दिया, लेकिन मैंने उसे फिर भी फटा लिया, शादी कर ली उससे, और फिर भी तू मेरे पीछे पड़ी रही। मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उल्टा तूने मेरी बीवी के सामने एक बार नहीं 20 बार मुझ पे हाथ उठाया। आखिर तू तलाक पे उतर ही आए ना तुम कुनाल? मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम उसी के लायक हो, और आरती से तुमने प्यार कभी किया ही नहीं था। चुप चुप रह जा, चुप। ऐसा तुझे लगता है, लेकिन प्यारी भोली भाली बेचारी बेवकूफ बीवी आरती को तो नहीं पता था ना? क्यों बता उसे? और ऊपर से तूने मेरी रागनी जी को भी जेल में डाल दिया। अपनी बहन का पत्ना तुम ऐसे पीठ पर मार कर के लोगे? हट पड़ी, पीठ पे कौन मार रहा है? मैं तो तुझ पे सामने से वार कर रहा इसके सामने। तेरी आंखों से दहशत के आंसू बहते हुए, तेरे खून की एक एक बूंद और मेरे गाल पे पड़े एक एक थप्पड़ की गूंज की तरह निकलते हुए तेरा रक्षा किसकी? अबे तेरी चीखें ये तब तक सुनेगा जब तक अंत तक तेरी आवाज सुनने के लिए नहीं बचेगी। और एक बात बताऊं, ऐसे ही आज से 2 साल पहले ऐसे ही तेरे पति के मैंने ऐसा वार किया, ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि लेकिन फिर भी मरे नहीं हमारे साले साहब। चलो कोई बात नहीं, मूड नहीं होगा तो अब मार देते हैं। अभय और श्रद्धा की प्रेम कहानी किस्मत लकीरों से जुड़ी बंधी हो जाएंगी अब जल्दी Oh!
आरती अभी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा पेट में दर्द था, ठीक है। अब आप तो है ही ना इसी के साथ, मैं मेरा काम करके आती हूँ। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो तुम बिना पंडित जी का आशीर्वाद लिए यहाँ से भागने की बात कर रही हो? तुम ही हम सबको यहाँ लेकर आई हो ना, हमें तो लगा था कि तुम यहाँ अपने पापों की माफी मांगने आई होगी। उफ़ो, ये बुआ फिर से शुरू हो गई, ऐसे तो ये लोग मुझे जाने ही नहीं देंगे, कैसे निकलूं यहाँ से? क्या सोच रही हो? सबसे पहले तुम और आरती आशीर्वाद ले लो पंडित जी से। आप सब भी आइए। आ बेटा चल। रोशनी के चेहरे पे ये डर, बेचैनी, अभय का दीदू के पास जाने से नहीं हो सकता। पर कीर्ति, जितनी हार उसे मिली, जितनी धमकी हमने उसे दी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो फिर से सब कुछ शुरू करेगी। रोशनी का शातिर दिमाग मुजरिम की तरह चलता है, वो अपने आप को बचा सकती है, पर बीच में उसका घमंड आ जाता है और तब तो उसके ऊपर धमकियों का भी कोई असर नहीं होता, उसे सिर्फ अपना मकसद याद रहता है। कीर्ति, क्या तुम्हें लगता है कि हमने इस रोशनी और कुणाल का साथ देके बहुत बड़ी गलती की? और दीदू और अभय ने जो हमारे साथ किया, आपके सर पे चोरी का क्रिमिनल रिकॉर्ड लग चुका है, आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही वरुण जी, और हम सस्पेंड हो गए, इंक्वायरी चल रही है हम पे, कैसे भूल जाएंगे सब वरुण जी? कीर्ति, हम उन्हें थोड़ी थोड़ी बचाना चाहते थे। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी इज्जत पे हमारी अपनी बहन दाग लगा देगी। चाहे जो भी हो जाए, हम दीदू को कभी माफ नहीं करेंगे। आपको आज उठना ही होगा, आप इस गुनाह से हाथ नहीं मान सकते। अभय, इसी की वजह से आपने अपने 10 साल खोए थे। अभय, आज आपको इससे अपने 10 साल वापस लेने होंगे। अभय, आपको याद करना ही होगा। अभय, उठना होगा आपको, उठिए। अभय, उठिए। अबे, अबे,
बहुत बड़ी बहादुर बनती है ना तू। अब देता हूं मैं तुझे तेरी माता रानी का आशीर्वाद। मेरी शर्तों को बना तू। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। 2 साल पहले तूने मेरी बहन से धोखे से शादी की और मेरे घर में घुस गया। फिर अपनी बहन के साथ मिलकर धोखे से मुझे मारा। तुझे मेरी बेटी मेरी श्रद्धा से दूर कर दिया। श्रद्धा से दूर कर दिया तूने। बहुत चोट पहुंचाई ना तुमने मेरी श्रद्धा को। मेरी याददाश्त जाने का तूने बहुत फायदा उठा लिया। अब बस मुझे सब याद आ गया। सुना तुझे मुझे सब याद आ गया। मुझे सब याद आ गया। मेरे सामने थी और मैं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कैसे माफी मांगूंगा तुमसे। कितना कुछ कहा मैंने तुमसे। मेरे रहते हुए भी तुम्हें कितना सहना पड़ा। देखो तुम्हारे सर से कितना खून बह रहा है। कितनी चोट आई है आपको भी। मैं डॉक्टर को फोन कर दूं। हेलो हेलो डॉक्टर मेहता आप प्लीज जल्दी से तिवाठी निवास आ जाइए। मेरी पत्नी को बहुत चोट आई है। प्लीज जल्दी आइए।
तुम यहीं बैठो, मैं दवा लेकर आता हूं। देखकर तो मैं अपने सारे दर्द भूल गई। अब आप अपनी श्रद्धा के पास वापस जो लौट आए। शुक्र है, उन्होंने मेरे अभय को मुझे वापस लौटा दिया। माता रानी को तो मुझे सजा देनी चाहिए। तुम हमेशा से मेरे सामने थी और अभी तुम्हें भूल गया। मैं तुमसे कैसे माफी मांगूंगा? ऐसा मत सोचिए भाई, मुझे सचमुच अभी यकीन नहीं हो रहा है। आपको सब याद आ गया, सब कुछ। मैं भी तुम मुझे माफ कर पाओगे? जो इतनी तकलीफ थी मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितनी बदतमीजियां की है तुम्हारे साथ। ऐसा मत कहिए अभय, मैं जानती हूँ कि मैं आपको याद नहीं थी, पर मुझे ये पता है कि मैं आपके हर एहसास में थी, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगी। इसीलिए आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है ना? मुझे खुद से ज्यादा आप हमारे प्यार पे भरोसा है अभय। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, लेकिन हमारी किस्मत की लकीरें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ श्रद्धा, हमारे बीच अब कभी दूरी नहीं आएगी। किस्मत ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, अब मैं वो हर पल वापिस जीऊंगा तुम्हारे साथ। कभी किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। साथ अपनी जिंदगी बताना चाहते हो अभय? मेरा क्या अभय? मछली पहले तुम शांत हो जाओ। क्या शांत रहो अभय? अपने प्यार को किसी और की बाहों में कैसे देख सकती हूँ मैं अभय? आखिर मना ही लिया ना इसने तुम्हें इस झूठी शादी को मानने के लिए, और तुम मान भी गए। बस रोशनी, धोखा मैं नहीं अभय को धोखा तुम देती आई हो। मैंने तुम्हें यहाँ अभय के इलाज के लिए बुलाया था, उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए,
और पहले दिन से ही मैंने तुम्हें बता दिया था रोशनी कि अभय मेरे पति हैं, मगर उनके याददाश्त जाने का फायदा उठाया तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम्हारी याददाश्त, अभय की याददाश्त वापस आ गई है। तो अभय, जो श्रद्धा ने कहा कि तुम्हारी याददाश्त वापस, किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।